दोबारा फिर आगे बढ़ रहे थे बैरिकेड तोड़ने के लिए, दोबारा फिर जो प्रशासन के द्वारा जो गैस के गोले है जो वो दागे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में लाठीचार्ज भी यहाँ पर जो किया गया है। और जो संसाधन है जो किसान लेकर आए थे उनको तोड़ा गया है प्रशासन के द्वारा, चाहे वो पानी पीने की व्यवस्था का टैंक हो या फिर आम ट्रैक्टर ट्रैली। तो एक तरफ से स्ट्रगल देख रहे हैं किसानों का और जो पैरामिलिट्री फोर्स है या हरियाणा पुलिस है, इनके बीच का जो स्ट्रगल आप देख रहे हैं। ये देखिएगा एक और है जो आंसू गैस का गोला है जो दागा गया है, देख सकते हैं आप। और किसानों के द्वारा उसको डिफ्यूज करने की कोशिश, लेकिन वो अपना काम कर चुका है। और लगातार फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए किसान आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज 21 फरवरी है, 11 बजे का इनका कॉल था कि हम बैरिकेडिंग शांतिपूर्ण तरीके से विड्रा करते हुए जो हम निकलेंगे आगे की तरफ दिल्ली कूच की तरफ। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किसान है जो अपना बचाव करने के लिए प्लाईओ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लगातार है जो आंसू गैस के गोले है वो दागे जा रहे हैं। तो किसानों की इस भीड़ को अलग थलग करने के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार है जो 20 मिनट से ये आंसू गैस के गोले है जो दागे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं बार बार कोशिश किसान है जो बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने की करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उधर से जो प्लास्टिक की रबर्स की गोलियां बताई जा रही है वो शूट की जा रही है, और आंसू गैस के जो गोले लगातार आप देख रहे हैं। और खेतों के अंदर भी जो किसान डटे हुए थे उनको भी अलग करने के लिए जो फोर्स है वो खेतों के अंदर है जो बीच में आ चुकी है।